हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो यहाँ मैं एक इंडियन लुक क्रिएट करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, वो आप देख ही पाओगे। उसके आगे बोलना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा वीडियो को प्लीज़ लाइक दे दो, ओके। तो अभी मैं मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, ये जॉय का मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। उसके बाद मैं यहाँ फाउंडेशन ले रही हूँ, ठीक है। फाउंडेशन एंड मॉइस्चराइज़र ये दोनों को मिक्स करूँगी। आप लोग सोच रहे हो कि हाँ ये सब मिक्स करके क्या कर रही है। हाँ, मैं हाईलाइटर भी थोड़ा मिक्स किया ताकि थोड़ा शाइनी सा एक ग्लोजी सा इफ़ेक्ट आए। तो यहाँ मैं मॉइस्चराइज़र और फाउंडेशन एंड जो हाईलाइटर है वो तीनों चीज़ को अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जैसे मॉइस्चराइज़र आप लोग फेस पे लगाते हो ठीक वैसे ही, ओके, ठीक वैसे फुल फेस पे ऐसे डब डब करके लगा लीजिए। लगा लेने के बाद एक मसाज दीजिए, आ तो आप देख ही सकते हो एक शाइनी सा ग्लॉसी सा, मतलब एकदम बहुत अच्छा सा एक फिनिश आई है, बहुत ही हेल्दी एंड ग्लोइंग लग रही है। और मेन चीज़ है, आप लोग बहुत ज़्यादा यू नो हेवी मेकअप पसंद नहीं करते हो। मैं देखी हूँ बहुत लड़की लोग ना हेवी मेकअप एकदम पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा लाइट पसंद करता है। तो मैं ये चीज़ को लाइट रखने की कोशिश की हूँ, एकदम हेवी नहीं है, नेचुरल स्किन लग रही है, ग्लोई लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, एकदम डिफरेंट टाइप का है ये। उसके बाद मैं थोड़ा टिंट लगा लिया, टिंट तो अभी एकदम न्यू ट्रेंड में है तो टिंट लगा लिया। तो इंडियन लुक पे कर रही हूँ, मतलब थोड़ा होता है ना कि काजल के बिना नहीं होता है ट्रेडिशनल लुक, तो वेस्टर्न में उतना नहीं लगती है बट इसमें थोड़ा लगता है। तो इसमें मैं थोड़ा काजल दिया, ऊपर में भी थोड़ा ब्लैक कलर का काजल दिया। उसके बाद मैं एक स्मज प्रूफ वो आईलाइनर होता है ना, पेंसिल आईलाइनर, तो उससे पूरा तरीके से सेट कर लिया। उसके बाद अपना ये जो मतलब कंप्लीट नहीं हो रही है लुक, तो थोड़ा मतलब टिप पहन लिया, बहुत अच्छी लग रही थी। टिप पहनने के बाद लुक आप देख ही सकते हो कितना मस्त लग रही है। तो गाइस, ये छोटा सा वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके।